एक तरफ 12 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलकर निकला है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री झारखंड में चुनावी रैली में कांग्रेस और विपक्षी दलों को ये चुनौती दे रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान के लोगों को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। हमारे साथ कपिल सिब्बल जी, वरिष्ठ नेता। सर, प्रधानमंत्री चुनौती दे रहे हैं और आप लोग से प्रधानमंत्री जी से ये प्रश्न उठना चाहता हूँ कि उनको पाकिस्तान, उनके मन में पाकिस्तान इतना पैशनेटली कि उसके मन में आता है, हमेशा पाकिस्तान की ज़्यादा, उनको पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है। अगर ज़्यादा पसंद है पाकिस्तान तो जैसे नवाज शरीफ को उन्होंने पहले गला लगाया, दोबारा गला लगा लें, उसमें क्या दिक्कत है। अब दूसरे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनको गले लगा लें, इमरान साहब को गले लगा लें, या वहाँ दोबारा बर्थडे पर चले जाएँ, इनको पाकिस्तान से इनकी दिलचस्पी है। असलियत तो यह है कि ये हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, ये उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2014 के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसको ये सुधार भी नहीं सकते। तो किसानों की समस्याओं को कैसे सुधारें, मर्द वर्गों की समस्याओं को कैसे सुधारें, जो व्यापारी है उसकी समस्याएँ बहुत, GST की समस्या है, डिमोनाइजेशन के परिणाम हैं, तो हिंदुस्तान की जनता के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो बात पाकिस्तान की शुरू कर देते हैं। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत मत रखिए, जरा हिंदुस्तान की जनता के साथ मोहब्बत कीजिए। राष्ट्रपति से क्या कहा आप लोगों ने? क्या हमने तो राष्ट्रपति जी से कहा कि ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए। और जो वायलेंस हो रहा है आसाम से केरल और दिल्ली में, इतना वायलेंस, हाँ, कि इस वायलेंस की वजह से ही उनको वापस एक सुझाव देना चाहिए सरकार को कि ये कानून को वापस लें। और साथ में क्योंकि वो विजिटर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, इस्लामिया के भी, जामिया इस्लामिया के भी विजिटर हैं, तो वहाँ भी एक कमीशन बैठाई जाए कि कौन कसूरदार है इस हिंसा की की वजह से। एक आखिरी सवाल, ये मामला अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा है, आ रहा है उसके बारे में मैं कह सकता हूँ तो साफ तौर से कपिल सिब्बल जी का कहना है कि हालांकि ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का नाम बार बार प्रधानमंत्री अपने उसमें जिक्र करते हैं, उसको लेके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रेम ठीक नहीं है और राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाना चाहिए। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।